पटना सिटी के गुलजार बाग ऑडिटोरियम के पास बायोपिक फिल्म अनोखी का आज शूटिंग किया गया। फिल्म की शूटिंग पिछले कुछ दिनों से जारी है। ये फिल्म बिहार की पृष्ठभूमि पर आधारित है। फिल्म में मुख्य कलाकार प्रख्यात अभिनेता आशिकी फेम राहुल राय निभा रहे हैं। वहीं अभिनेत्री की भूमिका में कल्पना शाह और कशिश गूगल फिल्म में अभिनय कर रही है। अभिनेता राहुल राय ने बताया कि ये फिल्म बायोपिक फिल्म है और साथ ही ये भी कहा कि ये फिल्म पूरी तरह दर्शकों का मनोरंजन करेगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कुछ दिनों से हूँ, शूटिंग कर रहा हूँ। एक हिंदी फिल्म है अनोखी, संजय जी डायरेक्ट कर रहे हैं एंड बीबी साहब ने प्रोड्यूस किया है। सबसे ख़ास चीज़ इस फिल्म की मुझे लगी है कि आजकल एंटरटेनमेंट के लिए फिल्में बनती हैं। जाहिर सी बात है कि ये फिल्म में एंटरटेनमेंट भी है, लेकिन काफ़ी संस्कारी फिल्म है, क्योंकि कई चीज़ें हैं हम लोग अपने संस्कारों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जेनरेशन चेंज हो रही है, अच्छी भी बात है कि चेंज हो रही है, लेकिन इसमें जो मैसेज दिया जा रहा है या हम कोशिश कर रहे हैं समझाने के लिए कि आने वाली पीढ़ी को हमको कैसे समझना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम बड़े प्यार से और तरीके से आने वाले पीढ़ी को कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके संस्कार क्या है। तो उस टाइप की फिल्म है, ये बायोपिक है, ठीक है। और मेरा ख्याल से ये फिल्म जो है याद दिलाएगी लोगों को कि हम आते कहाँ से। बिहार में यहाँ पटना में शूटिंग की जा रही है क्योंकि कहानी इस साइड के फैमिली का है, बायोपिक इसलिए है। और मुझे खुशी होती है कि मैं जब आता हूँ यहाँ पे शूट करने के लिए, हालांकि मैं कई सालों के बाद आया हूँ, यहाँ के लोगों का प्यार बहुत मिलता है। लोग बहुत उतावले होते हैं प्यार देने के लिए। और बिहार में कई ऐसे लोकेशन हैं जो बहुत खूबसूरत हैं शूटिंग करने के लिए, लेकिन सिर्फ ताज्जुब की बात यह होती है कि यहाँ की सरकार फिल्म इंडस्ट्री को क्यों नहीं इतनी मान्यता देती है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जिस स्टेट में भी गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है तो उस स्टेट में क्या कई लोग आना चाहते हैं, शूटिंग करना चाहते हैं, और जब शूटिंग होती है तो टूरिज़्म भी बढ़ती है। और बिहार में तो ऐतिहासिक इतने इतने जगह हैं, इतने खूबसूरत जगह हैं कि लोग तो एज इट इज़ आते, लेकिन फिल्म जब दर्शाई जाती है, हिंदी फिल्में दर्शाई जाती है उधर, तो उसकी संख्या कई करोड़ों से बढ़ जाएगी। और यही कहता हूँ कि मुंबई शहर में काफ़ी लोग बिहार से आते हैं जो टैलेंटेड हैं, और मैं उनको सब लोगों को शुभकामनाएँ देता हूँ। और यही कहता हूँ कि जो उनके सपने हैं उसको फॉलो करते रहिए, शिद्दत के साथ काम करें, लगन करें, कोई शॉर्टकट नहीं है अपने हार्डवर्क। पटना से उज़्मा शाहीन की रिपोर्ट, ATN लाइव।